नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक हिंदी पर। मैं हूं अपना सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म होते हैं, लगभग 100 से भी अधिक मैं इस वीडियो में फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और ट्रिपल सी एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो आप, तो समझ लो कि ट्रिपल सी में 4-5, कहने का मतलब मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी कभी तो बोलते हैं कि 10-10 फुल फॉर्म का क्वेश्चन आ गया था। तो लेकिन 4-5 क्वेश्चन फुल फॉर्म का तो आना ही आना है। और कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे बैंक एग्ज़ाम देने जाते हो तो उसमें भी पूछते हैं, SSC में भी पूछ लेते हैं, UPSC में भी पूछ लेते हैं, हर जगह कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए होने वाली है, खासकर ट्रिपल सी जो देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करो उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज़ करते हो, वहाँ पे मुझे फॉलो जरूर करना, वहाँ की मेरी आईडी है Avinod Singh 177। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हो, सबसे पहले हमारे सामने है अर्पानेट। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये। अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। पूरा फुल फॉर्म यही है, नेट का मतलब है नेटवर्क। और अर्पा जो है एक एजेंसी है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि यह एक डिफेंस एजेंसी थी अमेरिका की। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंटरनेट नाम पहले नहीं था, जो इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं इसका पहले क्या नाम था, तो अर्पानेट नाम था। ये भी याद रखना है आपको, अर्पानेट से ही शुरुआत हुआ था इंटरनेट का। तो उसको डिफेंस, एक होता है डर्पानेट या फिर डर्पा का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, नेट हटा देंगे, सिर्फ कहेंगे डर्पा का फुल फॉर्म बताइए या फिर डर्पानेट का फुल फॉर्म बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है अक्सर मैं देखा हूँ, तो डिफेंस लगा दो बस, बाकी सब वही है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क तो वही है, उसके ऊपर डिफेंस आपको लगा देना है। अब आगे बढ़ते चलते हैं। अब देखो, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यह एक लैंग्वेज है, कोड है, ठीक है। कंप्यूटर बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोड लैंग्वेज होते हैं, जैसे बाइनरी वगैरह होता है, वैसे ये भी एक तरह का कोड है। ये सारे फुल फॉर्म, वो जो ई बुक है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, स्पेशली वो ट्रिपल सी का है फिलहाल जो ई बुक है, लेकिन उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कुछ है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट की है, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, ये सारे फुल फॉर्म, ठीक है। उसके बाद देखो एल्गोल, जिसका मतलब होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज। उसके बाद फिर नंबर आता है ATM। ATM का होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। याद रखना, जो पैसे वैसे हम निकालते हैं उसका जो फुल फॉर्म, कुछ लोग ऑटोमेटिक करके कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ एकदम एग्जैक्टली पता है मुझे, तो लोग सवाल भी बहुत सारा करते हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन ही इसका फुल फॉर्म होता है। और एक और फुल फॉर्म ATM का एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो उसका जो आपके सामने है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, यह एक नेटवर्किंग का फुल फॉर्म होता है। ये भी कभी कभी ये ऑप्शन में ये रहेगा नहीं, लोग मुझसे पूछ रहे थे ऑप्शन में ये नहीं था तो ये आया था, तो उसका ये होता है, ठीक है, ये नेटवर्किंग में यूज़ होता है। उसके बाद है ADC एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अब देखो, एनालॉग को यू और ई बाद में नहीं लिखा जाता कभी कभी, तो वो भी सही माना जाता है, लेकिन पूरा नाम उसका यही होता है, ठीक है, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, इसका मतलब होता है ADC का। सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जितने भी हैं। ALU तो अभी सभी जानते हो कि ये होता है किस में, CPU में यूज़ होता है, तो ये अल्फ़ाबेट वाइज में बता रहा हूँ आपको, सब कुछ मिलेगा आगे। ALU का मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके बाद फिर AI का पूछते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, AVI आडियो वीडियो इंटरलीव। फिर आगे बढ़ते हैं, BARC है आपके सामने, दिभाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एक रिसर्च सेंटर है, ये बात तो सबने सुना होगा। फिर उसके बाद BASIC, ये भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यह भी एक तरह का बेसिक लैंग्वेज होता है, ठीक है। फिर BIOS, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बहुत फेमस है ये। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, सिंपल सी बात है। BMP बिटमैप होता है, BMP का, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे। CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं उसको। और CD मोस्ट पॉपुलर एक नाम है, CD का मतलब कम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद CD-ROM, तो CD तो कम्पैक्ट डिस्क हो ही गया, और ROM का होता है रीड ओनली मेमोरी, ये बात तो आपने सुना होगा। RAM का पूछे तो RAM आगे आएगा, मान लो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है,
है ना। अब देखो CDRW भी आ जाए तो कंपैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, RW मतलब रीड पढ़ भी सकते हो उसको, लिख भी सकते हो उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, अब कोबोल, कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। फिर CPU और CRT दो है आपके सामने। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अभी मैंने बताया। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब होता है। CU का होता है कंट्रोल यूनिट, इम्पॉर्टेंट ये भी उसका पार्ट होता है CPU का। CDMA एक तरह का, अभी जैसे सिम होता है ना वैसे ये, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। DRAM, अब देखो DRAM मतलब डायनेमिक रैम, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, आगे आएगा वैसे ये। और DAC डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर उसको बोलते हैं, DAC को। फिर वो आता है सामने TBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर DCL जिसका डिजिटल कमांड लैंग्वेज। फिर DFD डेटा फ्लो डायग्राम। सारे क्वेश्चन मैं देखा हूँ एग्जाम में 100% आते हैं, इसलिए इसको सीरियस लेना है आप सबको, ठीक है। सब नोट कर लो, जो लोग PDF लिए हो वो तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिए हो तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। DNS डोमेन नेम सिस्टम, DPI डॉट्स पर इंच। DPI जो होता है, डॉट्स पर इंच जो होता है दोस्तों, ये प्रिंटर का स्पीड मापने के लिए होता है, याद रखना ये भी। उसके बाद आपके सामने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के बारे में वैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी था आपसे, ये काफ़ी अच्छा भारत का डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक्नोलॉजी वगैरह विकसित करता है, बहुत कुछ हथियार वगैरह बनाता है। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर इसको डिजिटल वीडियो डिस्क, वैसे आपको याद रखना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यही इसका असली फुल फॉर्म है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने इसे लिख दिया, कभी कभी आ जाता है ऐसे ही। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, बहुत सिंपल सी बात है। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई जहाँ पे लगा इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन EPROM में वैसा नहीं है। EPROM समझ लो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब मिटा सकते हो उसको और पढ़ भी सकते हो, बहुत सारी बातें इसमें। तो इसको एक तरह का रोम का एक प्रकार है, रोम भी कई प्रकार को ऐसे होता है। EBCDIC एक्सटेंड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, याद रखना, भूलना नहीं है। उसके बाद EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। फिर आ जाता है आपके सामने EDSAC जिसको ATSEC भी बोलते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इसका मतलब होता है। EEPROM मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो कई प्रकार के रोम आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखने ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रोम भी कई प्रकार के होते हैं। फोरट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सब कुछ मैं बता दूंगा, 100+ है इसमें। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM देखो सिम होता है, CDMA में भी आया था, GSM आ गया, तो सारे मिलेंगे आपको। फिर GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट है ये, याद रखना, इसमें ग्राफिक्स भी हो जाता है, कभी कभी एस लग जाता है यहाँ पे, तो इसको नहीं भूलना है आपको। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक तरह का ये लैंग्वेज है जिससे वेब पेज बनाते हैं। क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ से वेब पेज बनाया जाता है, वेबसाइट बनाई जाती है, तो HTML होता है वो। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक तरह का ये प्रोटोकॉल है जो कि हर सभी वेबसाइट के पहले देखो तो लगा होता है, सब जानते हो आप। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ICANN देखो अक्सर आता है आपके सामने इस सुनने में, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, तो ये बात भूलना नहीं है। ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, IT तो सिंपल सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। JPG एक तरह का इमेज होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका मतलब होता है। KBPS सिंपल सी बात है, सुनते हो ना MBPS KBPS, ये सब किलोबाइट पर सेकंड, जो MBPS मतलब मेगाबाइट पर सेकंड, ऐसे ही होता है। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत पूछते हैं LSI का मतलब। अब LSI में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे LSI है तो एक होता है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऐसे एक होता है ULSI अल्ट्रा लार्ज, वी से वेरी, यू से अल्ट्रा, बाकी सब वही है, तो ये बात आपको भूलना नहीं है। क्वेश्चन भी मुझसे मत पूछना, नोट कर लेना सब लोग,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि ये भी पूछते हैं कि मैन कहाँ यूज़ होता है, तो बड़े बड़े शहरों में यूज़ होता है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन लिखा है ये इसमें, बड़े बड़े शहरों में यूज़ होता है ये। टीवी नेटवर्क जो होता है मैन होता है, जो टेलीविज़न नेटवर्क होता है ना केबल वगैरह, ये सब मैन में आता है, पता होना चाहिए आपको। और MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखना रिकॉग्निशन यहाँ होता है, नहीं तो कुछ लोग गलती कर देते हैं, रीडर बोल देते हैं उसको। मॉडेम तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, सिंपल सी बात है, बहुत आता रहता है, मैं बताता रहता हूँ ऐसे आपसे। MS Access पूछता है, अगर MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेस तो है ही है, तो ये तो सब जानते हो मान लो। MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MB मतलब मेगाबाइट, अभी बता दिया मैंने आपको मान लो। और MS DOS, MB अगर MBPS पूछे तो पर सेकंड लगा दो, बस बात खत्म। MS DOS सिंपल सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट MS से हो गया, और DOS मतलब पूछते रहते हैं, DOS का फुल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था। MS Excel सिंपल से माइक्रोसॉफ्ट लगा दो, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट लगा दो, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट लगा दो, बात खत्म। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, BSNL का तो मतलब भाई है, ये दोनों भाई भाई हैं, भारत सरकार के सिर्फ महानगरों में चलता है वो। NAL पूछे तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंपॉर्टेंट है मोस्ट, बहुत आता है एग्जाम में ये। अब देखो आपके सामने है OCR मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, और OCR का मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, तो दोनों आपको हो सकता है, लेकिन कुछ लोग पूछते हैं दोनों अगर आ गया एग्जाम में तो किस पे साथ जाएंगे, तो आपको ऊपर वाले के साथ जाना है रिकॉग्निशन। वैसे ये भी गलत नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो आपको ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के साथ जाना है। OML मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर, OS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बहुत फेमस है ये। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता ही है, और PDL प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज इसको बोलते हैं, PDL। वैसे PDL बहुत ज़्यादा एग्जाम में मैंने देखा हूँ पूछा जाता हो। PL1 अगर पूछे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। PNG पूछता है बराबर, मैं देखा हूँ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF भी बराबर आता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। POS बहुत बार आता है, पॉइंट ऑफ सेल। देखो POS एक आता है, एक होता है, मैं इसी में बता देता हूँ, एक होता है POP, दोनों भाई भाई हैं। POS मतलब पॉइंट ऑफ सेल, और POP मतलब पॉइंट ऑफ परचेस। फिर आगे बढ़ते हैं PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ROM मतलब भी बताया मैंने, रीड ओनली मेमोरी मान लो। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होता है, और SRAM पूछता है स्टैटिक RAM, जैसे DRAM था डायनेमिक, SRAM मतलब स्टैटिक, तो RAM मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, इंपॉर्टेंट है ये। SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, CCC बहुत बार। SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। TCP/IP बराबर पूछते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। TFT थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। देखो ULSI मतलब अभी मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो यू मतलब वो हो तो अल्ट्रा लगा दो, वी हो तो वेरी लगा दो, सिंपल सी बात है, इसमें बोलना नहीं। UNIVOC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। UPS मतलब अन इंटरप्टल डबल पावर सप्लाई। URL बहुत एग्जाम में पूछा मैं देखा हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका, यूनिवर्सल सीरियल बस। UMTS यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और फिर आता है वायरस, वायरस का वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब BLSI देखो अभी बता, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। VSNL तो वी देखो BSNL अलग है, VSNL अलग है, तो VSNL पूछे तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। WAN अगर पूछता है तो वाइड एरिया नेटवर्क, इंपॉर्टेंट है, जैसे LAN, MAN, WAN,
लैन शायद आया नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क आया था बीच में। वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे कुछ भूल जाओ मुझे बताना आप लोग। वाई मैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरप्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ये सब मैंने एक वीडियो में पहले बताया था, थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हुआ था उसमें। WLL वायरलेस लोकल लूप होता है, और फिर वॉर्म राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिखना है और पढ़ना है बार बार। फिर उसके बाद आता है WWW वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद चार बार W, तीन बार W तो वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, चार बार W बहुत बार मैं देखा हूँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के बाद वॉर्म लगा दो, आखिरी में लगाना है, नहीं गलती करो ठीक है, एकदम आखिरी में वॉर्म लगा दो बस। चार बार W का हो गया, बराबर आता है मैं देखा हूँ। फिर WMV ये क्या है, विंडो मीडिया वीडियो इसको बोलते हैं, WMA विंडो मीडिया ऑडियो, ये सब विंडोज़ में यूज़ होता है वैसे। WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। और फिर आता है WLAN अगर पूछे तो वायरलेस लैन, और वाईफाई पूछे तो वायरलेस फेडरलिटी। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म थे कंप्यूटर संबंधित, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सीरियस लेना, एकदम नोट कर लेना सब, तो बहुत फ़ायदा आपको होगा एग्ज़ाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, आपका कोई और सवाल हो अगर कुछ छूट गया हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वैसे इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में भी, लोग कह रहे थे फिर से बना दिया, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।